नमस्कार। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर आपको पता होगा, चार शंकराचार्यों ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं हो सकता, इस तरह का शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सबसे पहले कहा था। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का एक और मीडिया के सामने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए ऐसा बताते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मंदिर भगवान का शरीर है, मंदिर का शिखर भगवान की आंखों का प्रतिनिधित्व करता है और कलश सिर का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर पर लगा झंडा भगवान के बाल है। शंकराचार्य ने कहा कि बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, यह हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि शास्त्रों का उल्लंघन किया है। तो शंकराचार्य ने एबीपी न्यूज से इंटरव्यू के दौरान ऐसी बात कही है। तो शंकराचार्य ने अपनी बात बताते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह मंदिर का होता है और मंदिर अभी पूर्ण तरीके से निर्मित नहीं हुआ है, मंदिर का भी पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, तो अभी जो है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह अभी नहीं हो सकता, इस तरह का शंकराचार्यों ने कहा था। जिसके बाद सभी शंकराचार्य अब जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। हालांकि अंध भक्तों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता जब शंकराचार्यों ने ठुकराया था, उसके बाद उन्हें जो है काफी तरीके से ट्रोल करने की भी कोशिश करी थी। अब शंकराचार्य का ऐसा बयान आया है जिसमें भाई यह बात तो फिर मोदी जी को भी पता होगी और भी सभी को पता होगी यह बात, जब शंकराचार्य ने भी जो ये बात बताई है। हालांकि इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।